मुंह का स्वाद बदलना हो या फिर आने वाले हो कोई मेहमान, तो आज जो स्पेशल सब्जी बनने वाली है वो राजस्थान की बहुत ही स्पेशल सब्जी है। लेकिन ये राजस्थान स्टाइल में नहीं है, ये हमारी दादी के स्टाइल से बनने वाली है, जिसमें केवल बेसन का ही यूज नहीं किया है, बेसन के साथ इसमें हमने आलू का यूज किया है। बराबर मात्रा में यहाँ पे हमने आलू और बेसन लिया है, आप देख सकते हैं। तो बेसन को हमने एक कटोरी लिया है, तो आलू को, कच्चे आलू को हमने घिस के धो लिया है। यहाँ पत्ती वाली मिर्च थोड़ी सी डालेंगे, कुटी वाली तीखी होती है ये, जीरा आधा चम्मच डालेंगे, गरम मसाला आधा चम्मच, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कश्मीरी मिर्च, थोड़ा कलर के लिए होता है, तीखा नहीं होता है। स्वादानुसार नमक डाल लेंगे, इसके बाद डालेंगे कसूरी मेथी जो इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद लाएगा, और यहाँ हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को हमें क्रश करके डालना है, और अब हमें इसे क्या करना है, अपने 5 कांटे वाले चम्मच से इसे अच्छे से मिला लेना है, क्योंकि जितना ही अच्छे से मिक्स होगा ना उतने ही अच्छे से इसमें मसाले मिल जाएंगे। पानी डाल के इसका अच्छा सा घोल बनाएंगे, और इसके बाद हम इसको स्टीम करने वाले हैं। तो बिल्कुल इस बिल्कुल ही अलग तरीके की आज की सब्जी बनने वाली है, जिसमें आपका हाथ नहीं थकने वाला है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो सब्जी होती है बेसन की, उसको हम कढ़ाई में डाल के और 10 मिनट तक घोटते रहते हैं, जब वो गाढ़ा होता है फिर उसको जमाते हैं। लेकिन आज बिल्कुल नया ट्रिक के साथ मैं आपके लिए ये सब्जी की रेसिपी लाई हूँ, और साथ में नया ट्विस्ट है इसमें, ये जो आलू है ना, इससे इसका स्वाद 10 गुना ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे कि आप 2 की जगह 10 रोटी खा जाएंगे। तो मैंने बर्तन में घी लगा दिया था, और मैंने 2 बर्तन में इसे निकाल लिया है, और यहाँ पानी कढ़ाई में रख दिया था गर्म होने के लिए, छन्नी रख दिया है जिससे कि स्टीम ऊपर आएगा, और अपनी प्लेट को रख के मुश्किल से 7 से 8 मिनट तक इसे स्टीम करा देना है। और बस इतने में ही हमारा, देखिए ये बेसन पक गया है। चाकू की सहायता से आप देख लीजिएगा, अगर लग नहीं रहा होगा तो ये 100% कुक है। तो फाइनली ये हमारा कुक हो चुका है, तो अब चलते हैं आगे का प्रोसेस करेंगे, लेकिन ये थोड़ा हमें 10 मिनट के लिए इसे ठंडा कर लेना है। तो फाइनली हमारे बेसन ठंडा हो गया था, इसे हमें कट कर लेना है जिस भी साइज में आप करना चाहो, लंबा या छोटा। तो मैं छोटे ही छोटे करूँगी, क्योंकि जब सब्जी खाओ ना तो छोटे वाले पीस ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं अच्छा लगता। अगर आप चाहो तो इन पीसेस को तेल में तलने के बाद, और ये टी टाइम के स्नैक्स के जैसे भी आप खा सकते हो, लेकिन आज मैं स्नैक्स नहीं बना रही हूँ इसकी। स्नैक्स की रेसिपी मेरे चैनल पे पहले से पड़ी हुई है, आज मैं सब्जी बनाने वाली हूँ। और ये देखिए प्लेट में बिल्कुल भी नहीं चिपका, कितने ही अच्छे से निकल आया है। अब मैं यहाँ पर कढ़ाई में अपने तेल डाल दी हूँ, जिसमें मैं अपने सारे पीसेस को डालूँगी, और इसे अच्छे से मुझे फ्राई करना है तब तक, जब तक कि ये ऊपर से क्रिस्पी ना हो जाए। तो ये क्रिस्पी ऊपर से रहेगा और अंदर से सॉफ्ट रहेगा। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत करिएगा, तेल ज़्यादा तेज़ पे भले गरम कर लीजिए, मीडियम पे बनाइएगा इसे, जिससे कि ये अच्छे से पक सके अंदर तक, नहीं तो फिर ये जो है स्वाद ख़राब हो जाएगा आपका, ज़्यादा ऊपर से खर हो जाएगा तो स्वाद ख़राब हो जाएगा। तो देखिए कलर कितना ही अच्छा हमारे बेसन की कतलियों का चेंज हो गया है, बिल्कुल ही अलग हो गया है। और इसे अब हम अपने बर्तन में निकाल लेते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज की रेसिपी बिल्कुल नई है और आपको ये यूट्यूब में नहीं मिलने वाली। तो हमने यहाँ पे प्लेट में निकाल लिया है, और अब मैं बनाऊँगी इसका तड़का। तो यहाँ सरसों का तेल गरम हो चुका है, जिसमें मैंने डाला है जीरा, जीरा के बाद डालूंगी 2 पिंच हींग, इसके बाद मैंने लिया है 2 प्याज मीडियम साइज़ की, इसे भी इसमें ऐड कर लिया है, और थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। इसके बाद हमें डालना है इसमें सूखी मिर्च का तड़का लगाने वाले हैं भाई। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, साथ में डालूँगी हल्दी, और अब डालना है मुझे इसमें स्वाद अनुसार नमक। नमक बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि आपके बेसन में भी नमक है। और साथ में मैंने डाला है इसमें कश्मीरी मिर्च, जो केवल और केवल कलर के लिए होता है। और अब मैं डालने वाली हूँ इसमें 2 टमाटर, जो मैंने अच्छे से पीस के रख लिया था। और आज की सब्ज़ी में मैं कोई भी दही का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ,
और इसी तरह से मैं इस मसाले को बनाऊंगी, जब तक भूनूंगी इसे जब तक ऑयल ना छोड़ दे। देखिए मेरा ऑयल छोड़ दिया है और खुशबू भी आने लगी है। तो मुश्किल से 10 से 12 मिनट में ये आपका हो जाएगा। अब जो ये कटोरी में टमाटर था ना, मैं उसी में पानी डाल के और सब्ज़ी में डाल दी हूँ, जिससे कि वो भी वेस्ट ना हो। और जब पानी खौलने लगे आपका, तब आपको डालना है अपनी ये बेसन की कतलियाँ। तो एक एक पीस करके आप इसमें डाल लीजिएगा। कच्चे पानी में आप बिल्कुल भी ना डालें, नहीं तो आपके बेसन की सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी। ऊपर से हमने डाला है गरम मसाला और इसे मिक्स करके हमें 5 से 6 मिनट के लिए ढक के पका लेना है मीडियम फ्लेम पे। और ये देखिए तेल चारों तरफ से कितना ही अच्छा फैल गया है। अब धनिया से गार्निश कर देते हैं हम। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया कतली हमारी कितनी सॉफ्ट सी है, काट के मैं आपको दिखा दी हूँ। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और मैंने इसे अपने बर्तन में निकाल लिया है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, इसे आप राइस के साथ खाओ, पूड़ी के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, पराठे के साथ खाओ, बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे पार्टी अगर आप घर में दे रहे हो किसी को, तो आप उसमें भी इसे बना सकते हो। इसे बनाने के बाद आप अन्य बेसन की सब्जी को खाना भूल जाओगे, इवन यहाँ तक कि पनीर भी आप खाना भूल जाओगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।